नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आइए नजर डालते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों पर। 30,000 अदालत में वकीलों के साथ झड़प के बाद मंगलवार को पुराने पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस कर्मियों के धरने को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को अपनी शिकायत को सही जगह और सही तरीके से उठाना चाहिए था। वहीं गृह मंत्रालय इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों और वकीलों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई सुनिश्चित करने के पक्ष में है। धरने से नाराज गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों की मांग जायज हो सकती थी, लेकिन उसे उचित तरीके से उठाना जरूरी है। हम एक अनुशासित बल हैं, भीड़ की मानसिकता पनपने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझने और उसे सही समय पर नियंत्रित करने से दिल्ली पुलिस का नेतृत्व बुरी तरह विफल रहा है। जाहिर है, उनका इशारा जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के फेरबदल किए जाने की ओर था। दिल्ली में जिला अदालतों के बाहर वकीलों के प्रदर्शन के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि वकील, पुलिस और जनता से जुड़ी हिंसा की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय परिसर में मिश्रा ने बताया कि बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा की सभी घटनाओं को गंभीरता से लिया है तथा दोषियों के खिलाफ सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर अपने प्रदर्शन के दौरान न्यायाधीशों एवं वकीलों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। सोमवार को साकेत जिला अदालत के बाहर एक ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी और शनिवार को 30,000 अदालत परिसर में एक वकील के बीच पार्किंग के विवाद के बाद ये पक्ष रखा गया है। 1994 सिख विरोधी दंगा मामले में सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की उम्मीद पर झटका लगा है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स को डॉक्टर का एक मेडिकल बोर्ड गठन करके सज्जन कुमार की स्वास्थ्य जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड को 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई को अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में सूचीबद्ध कर निर्देश दे दिया है। वहीं सिख दंगा मामले का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने बताया कि सज्जन कुमार पिछले 10 महीने से जेल में हैं। उनके वकील ने तर्क दिया कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करके रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से जुट गई है। दिल्ली में भाजपा आपके खिलाफ, अब प्रियंका वाड्रा अब दिल्ली में कमान संभाल चुकी हैं। उन्होंने न केवल पार्टी की मोटी मोटी रणनीतियां तय कर ली हैं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस को ये प्रस्ताव भी दिया है कि जहां उनकी जरूरत हो उन्हें बुलाया जाए। हरियाणा में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साही प्रियंका वाड्रा का कहना है कि अगर बेहतर ढंग से चुनाव लड़ा गया तो दिल्ली में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मंगलवार की शाम प्रियंका वाड्रा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम से दिल्ली के सभी जिला अध्यक्षों और सभी फ्रंट संगठनों के अध्यक्षों के साथ पहली बार लंबी बैठक की। बैठक में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी पीसी चाको, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद भी मौजूद रहे। 2.25 घंटे चली इस बैठक में प्रियंका ने दिल्ली के सभी नेताओं और पदाधिकारियों से कहा कि जनसंपर्क और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को अपने सारे कार्य घर घर तक पहुंचाने हैं। प्याज एक बार फिर लोगों के आंखों से आंसू निकालने वाला है। राजधानी दिल्ली एनसीआर की मंडियों में आवकों में कमी होने के कारण खुदरा बाजार में प्याज की कीमत प्रति किलो 100 रुपए को पार कर गई है। ऐसी स्थिति तब है जब लगातार 2 दिनों से इसकी थोक कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि विक्रेताओं का कहना है कि प्याज की मौजूदा कीमतों में अब बढ़ोतरी नहीं होगी, कीमत फिलहाल स्थिर रह सकती है। इसकी वजह यह है कि मंडियों में इसकी आवक बढ़ने लगी है। आजादपुर मंडी के आलू प्याज मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार को प्याज थोक में न्यूनतम 30 व अधिकतम 60 रुपए किलो तक बिक रहा था। मंगलवार को यहां राजस्थान से 17,000 बोरियां व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों से प्याज की 30 गाड़ियां आई थी। सोमवार को राजस्थान से 11,000 बोरियां आवक रही थी। यही कारण रहा है कि सोमवार के मुकाबले मंगलवार को प्रति किलो थोक कीमत में 5 से 10 रुपए तक की गिरावट देखी गई है।
जबकि शनिवार को 7000 बोरियां व 26 गाड़ियां पहुंची थी। दिवाली के बाद लगातार गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। दिवाली के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब वायु गुणवत्ता स्तर 200 से नीचे आया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली के लोदी रोड इलाके में पीएम 2.5 का स्तर 280 तो पीएम 10 का स्तर 250 रहा, जिसे खराब श्रेणी में ही माना जाता है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बुधवार के दिन चढ़ने के साथ ही प्रदूषण में इजाफा हो सकता है। वहीं बुधवार को स्कूल खुले, ज्यादातर बच्चे मास्क लगाकर स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। मौसम में कुछ सुधार होने और हवा की गति बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में 8 दिनों से लगातार गंभीर श्रेणी में चल रहा प्रदूषण गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिन भर धूप खिली रही और आसमान भी साफ नजर आया। हालांकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर के मुताबिक अभी लोगों को सुबह शाम सैर नहीं करनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से कुछ महीने पहले दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति महोदय ने यह फैसला भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ इन 11 विधायकों को भी बड़ी राहत मिल चुकी है। चुनाव से कुछ महीने पहले आया ये फैसला आपके लिए बड़ी खुशी लेकर आया है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति महोदय का 28 अक्टूबर का 11 आप विधायकों को राहत देने का फैसला उसके द्वारा दी गई राय पर आधारित है। गुरुग्राम जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी और बेटे की उनके सुरक्षा बल द्वारा गोली से मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर की अदालत में हुई। इस दौरान दोनों गवाहों ने अदालत में आकर गवाही दी। जिला उप न्यायाधीश अनुराग हुड्डा ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को दो गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष द्वारा कराई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों गवाहों से जिरह भी किया। आरोपी महिपाल को भी सुनवाई के लिए अदालत में लाया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इस तारीख पर भी गवाहों की गवाही करवाई जाएगी। अदालत द्वारा इन गवाहों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष 13 अक्टूबर 2018 को सेक्टर 49 स्थित एक मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी ऋतु व बेटा ध्रुव न्यायाधीश के सुरक्षाकर्मी महिपाल के साथ कार में गए थे। जब वे शॉपिंग कर वापस आए तो सुरक्षाकर्मी महिपाल उन्हें कार के पास नहीं मिला। इसके बाद विवाद हो गया और गुस्से में आकर महिपाल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मां बेटे दोनों को गोलियों से भून दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक भाजपा नेता की हत्या समेत कई मामलों में वांटेड 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश आशु तथा उसके साथियों को पुलिस ने मंगलवार को तड़के ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र में घेर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये बदमाश पुलिस पर गोली बार कर भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को तड़के कुख्यात बदमाश आशु अपने साथियों के संग बादलपुर थाना क्षेत्र में लूट के लिए आया था। उन्होंने बताया कि जाल बिछाकर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बदमाश अपनी कार छोड़कर अंधेरे में फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि थाना क्षेत्र से लूटी गई इस कार का इस्तेमाल हापुड़ जिले में भाजपा नेता की हत्या में भी किया गया था। उन्होंने बताया कि आशु पर हापुड़ जिले में 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। गौतम बुद्ध नगर में 25,000 रुपए का नाम, बुलंदशहर तथा गाजियाबाद जिले में 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जाकर उनसे मिले। हालांकि इस मुलाकात के बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अहमद पटेल ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर वह कोई बात करके नहीं आए हैं। कांग्रेस नेता ने नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद कहा कि मैं उनसे किसान मुद्दों पर मिला हूं। ये एक राजनीतिक बैठक नहीं थी या महाराष्ट्र की राजनीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वहीं बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर कहा कि हम केवल उस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे जिसपे हमें विधानसभा चुनाव से पहले स्वीकार किया था। अब नए प्रस्तावों का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। भाजपा और शिवसेना ने चुनावों से पहले सीएम के पद पर एक समझौता किया था और उसके बाद ही इस चुनाव में एक साथ गठबंधन से लड़े थे।
ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।